श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज हम बनाएंगे झटपट पालक की सब्जी। और ये कैसे बनानी है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। हम पालक को अच्छे से धो लेंगे। मैं एक एक पत्ता करके धोती हूँ, तो आप पालक को खूब अच्छे से धो लीजिए। उसके साथ धुले हुए पालक के सारे पत्तों को हम कुकर में डाल देंगे। ये देखिए, मैंने डंठल जो मोटा मोटा था उसको मैंने काट दिया था, बाकी सब पालक को अच्छे से धोया है। मैं हमेशा एक एक पत्ता धोती हूँ। मुझे बस एक पालक है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत समय लगता है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसमें मैंने मोटे काट के टमाटर भी डाल दिए हैं कुकर में ही, साथ ही मैंने 3-4 हरी मिर्च भी मोटी मोटी काट के डाल दी है। और यहाँ मैंने ये अदरक को कूट लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, साथ ही डालूंगी 2 बूंद सरसों का तेल, कच्चा ही डाल रही हूँ। और डालूंगी इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, एक तेज पत्ता, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि इसको थोड़ा सा हल्का सा चटपटा होना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे सिर्फ आधा कटोरी पानी, क्योंकि पालक पानी छोड़ेगा, टमाटर में भी पानी है, तो इतना ही पानी इनफ है। कुकर चढ़ा देंगे और 2 सीटी आने तक पकाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ मैंने काट लिए हैं कटहल, अब इनको हम धो लेंगे। और साथ में यहाँ मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, एक तेज पत्ता, 2 लौंग, थोड़ा सा जीरा। अब हम पहले इन्हें पीस लेंगे, साथ में हम लेंगे 2 बड़े टमाटर भी जो मैंने काट के रख लिए हैं। पहले हम इसको हल्का सा फ्राई कर मतलब पीसेंगे, उसके बाद हम टमाटर भी इसमें डाल के पीस लेंगे, सबकी ग्रेवी बना लेंगे, मतलब दोनों को मिला के मिक्स कर देंगे। सॉरी मैं जल्दबाजी में दोनों मतलब सब्जियां बना रही हूँ, सोचा आप सबको रेसिपी भी साथ साथ दे दो। इस पे मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, तो हम इनको भी पीस लेंगे। यहाँ मसाला पीस चुका है और अब हम कढ़ाई में डाल देंगे तेल। अब जीरा डाल देंगे, मसाला डाल देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे साथ ही हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से हम पकाएंगे। और ये मसाला जो है ना, जितने अच्छे से पकेगा उतनी अच्छा टेस्ट जो है सब्जी में आएगा। थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, साथ में धनिया पाउडर भी डाल देते हैं 1 चम्मच, थोड़ी काली मिर्च भी। अब हम इस मसाले को बहुत अच्छे से पकाएंगे ताकि एक अच्छी ग्रेवी बनकर रेडी हो। सबसे बड़ी बात होती है एक अच्छी सब्जी बनाने का जो टेस्ट है वो ये कि जितना जितना अच्छा हम उसको पकाएंगे, मतलब वो पक जाएगी और उसके बाद उसमें जो भी सब्जी हम डालें फिर उसको पकाया जाए, तो फिर वो जो सब्जी का टेस्ट आता है ना, वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये सबसे एक नॉर्मल मेथड है कि आप जितना अधिक मसालों को अच्छे से पका लेंगे आपकी सब्जी उतनी ही ज़्यादा स्वाद बनेगी। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक भी। ये देखिए मसाला जो है अपना कलर भी चेंज कर चुका है और ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें कटहल जो हमने काट के रखी थी उसको धो के डाल देंगे और अच्छे से कटहल को हम मिला देंगे। ये लीजिए, अब हमने सारे मसाले मिला दिए हैं और अब हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमारी जो कटहल थी वो कच्ची हमने ली थी। इसको कई तरीके से बनाते हैं, उबाल के भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली कच्ची ही बनाती हूँ। और साथ ही साथ आप फ्राई करके भी बना सकते हो, ठीक है? तो इसमें आप जितने में ये पक जाए उतना आप अंदाज से इसमें पानी डालिए। मैं 1 कटोरी पानी डालूंगी और इसको ढक दूंगी। ये देखिए, और अब मैं इसको ढक कर पकने दूंगी। यहाँ दूसरी तरफ हमने पालक जो उबालने रखा था ये कुकर का हमने खोल दिया था ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब हम इसको भी पीस लेंगे।
सभी को। और इसमें जो पानी बचेगा ना, उस पानी को हम सब्जी में ही यूज़ करेंगे, मतलब पालक वाली सब्जी में ही। तो हम जो भी ये मोटा मोटा है सबको लेके हम इसी मिक्सी जार में पीस लेंगे। ये मैंने पीस लिया है और थोड़ा दरदरा ही इसको पीसा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आप चाहते हैं सिर्फ ऐसे ही इसको खाने के लिए, तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। सिर्फ आपको जीरे का देसी घी के साथ और हींग का तड़का मारना है, और आप इसे गाढ़ी रख कर भी रोटी के साथ खा सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी पका हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक तड़के के तौर पे आपने इसमें तड़का लगाना है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बना रही हूँ, मैं और तरीके से अब इसको और बना रही हूँ। और यहाँ देखिए कुकर में पानी बचा हुआ है, जो कि इसी का पानी है और उसी को हम यूज़ करेंगे। मैं कढ़ाई में तेल डाल दिया है और इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। यहाँ तेल गर्म हो गया है, हम डाल देंगे ज़ीरा, थोड़ी सी हींग, और यहाँ हम डालेंगे एक अलग चीज़ जिससे ये चेंज हो जाएगा। हमने डाल दिया है पालक, और ये जो पानी था वो भी हम डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए, ये बहुत जल्दी वाले तरीके से बनाने का तरीका है कि मतलब आप जल्दी बना सको, और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, अब इसमें अब हम साथ में इसके डाल देंगे स्वीट कॉर्न्स, ये मैंने धो के रख दिए थे, और अब हम इनको इनके साथ ही पकने देंगे। इनको अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये जितनी देर हम इसमें जो ये उबाल आएगा, उतने अच्छे से ये स्वीट कॉर्न जो है और अच्छे से पक जाएंगे, ठीक है। तो इसको पकने देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे ताकि कम ना रह जाए, और ऊपर से डालेंगे गरम मसाला। बस बनकर रेडी है। यहाँ दूसरी तरफ हमारी कटहल जो है पक रही है, और बस ये पकने ही वाली है, 5 मिनट और डाल देंगे ये गरम मसाला। बस ये लीजिए, यहाँ पर हमारी कटहल जो है पूरी तरह पक चुकी है, और अब हम गैस बंद कर देंगे। ये लीजिए, और यहाँ पर बन चुकी है हमारी पॉपकॉर्न वाली पालक की सब्जी। तो ये आप ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइएगा। जब तक आप बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, आपको स्वाद का पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रखी है, क्योंकि हम लोग चावल ज़रूर यूज़ करते हैं, एक सब्ज़ी जो है सूखी और एक थोड़ा ग्रेवी वाली।